बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरक्को, मराकेश जिसे हम कहते हैं, आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कमीशन यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछ सकता है। एक तो मैप देखें, मोरक्को का जो मैप है बेटा, ये वाला जो मैप है, ये सारा हमारे पास मोरक्को है, बल्कि ये यहाँ तक आ जाएगा। ये सारा जो हमारे पास बेटा मैप है, ये मोरक्को का मराकेश का मैप है। कौन सा समंदर लगता है अटलांटिक ओशन लगता है बेटा, इसे कौन सा ओशन लगता है? अटलांटिक ओशन लगता है नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है, नॉर्थ अफ्रीका का इसे हम कंट्री कहेंगे, या नॉर्थ वेस्ट में भी आप कह सकते हैं। तो इसका जो कैपिटल है बेटा, रबात है। रबात के हवाले से आपको बताया कुछ सवाल बनते हैं। रबात एक तो इसका कैपिटल है, इस वजह से भी आप याद रखेंगे। दूसरा ये है कि आपको पता है ओआईसी के बारे में आपने सुना होगा। OIC 1969 में बनी थी, तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी, या ये बनी कहाँ पे थी, सवाल ये बनेगा ना, तो आप रबात में कहेंगे। तो रबात में पहली मीटिंग हुई थी, यहीं पे OIC बनी थी। तो इस हवाले से रबात मशहूर है। आपको बताया कि OIC क्यों बनाई गई थी, मैंने इस OIC के ऊपर मुकम्मल एक लेक्चर दिया हुआ है, आप वो सुन सकते हैं कि फलस्तीन के अंदर जो मस्जिद अक्सा है यरूशलम में, उसे जो है ना, ऑस्ट्रेलियन नयाद जो था, एक क्रिश्चियन, उसने जला दिया था। मस्जिद के अंदर जो मिंबर रखा हुआ था, उसे आग लगाई गई, उसकी वजह से छत को भी नुकसान पहुंचा। मिंबर वही था जिसके बारे में कहा जाता है कि सलाउद्दीन अयूबी ने बनवा के रखवाया था। तो इस तरह से तशवीश फैली मुस्लिम दुनिया में, और उसके बाद जो उस वक्त के मस्जिद अक्सा के जो इमाम थे, उसने फिर एक मीटिंग बुलाई मुसलमान दुनिया की, रबात में मुसलमान मुल्क इकट्ठे हुए और OIC बनाई गई, जिसका काम था मुसलमानों के जो इंटरेस्ट है उन्हें सेफ गार्ड करना। इसकी फिर आपको पता है OIC की दूसरी मीटिंग पाकिस्तान में हुई थी, लाहौर में 1974 में, जहाँ पे सारे लीडरान आपको बताए थे, भुट्टो साहब के दौर में बड़ा जबरदस्त एक वो इवेंट था। OIC के हवाले से बेटा याद रखिए, कहाँ बनी थी? रबात में बनी थी, मोरक्को में बनी थी। करंसी बेटा इसकी दिरहम है। आजकल जो इसके किंग है वो मोहम्मद VI है जी, मोहम्मद VI इनके आजकल जो है ना किंग है। इन्होंने फ्रांस से आजादी हासिल की। ये सवाल भी बना पेपर में बहुत दफा के मोरक्को ने कब ये आजाद हुआ और किस से आजाद हुआ। ऊपर फ्रांस या यूरोप का, फ्रांस ने भी कब्जे किए थे ना, जिस तरह कॉलोनी बनाया था बर्तानिया ने मुख्तलिफ मुल्कों को, तो फ्रांस ने भी कुछ मुल्कों को बनाया था। इसी तरह से इटली ने भी कुछ मुल्कों को कॉलोनी बनाया हुआ था। तो 1956 में यह आजाद हुआ किससे? फ्रांस से। यहाँ पे जो है ना, एक पर्सनैलिटी का जिक्र करते हैं, उकबा बिन नाफे के हवाले से। उकबा बिन नाफे जो था, इसने जो है ना खलफा राशिदीन के दौर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की है। तो उकबा बिन नाफे साहब को कहा जाता है अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों का सिकंदर आजम। ये सवाल बना है पेपर, मुसलमानों का सिकंदर आजम किसे कहेंगे? उकबा बिन नाफे साहब को कहेंगे। तो इनके बारे में आता है कि ये इस तरह से निकले थे मिस्र से आगे फतवात करते हुए, और यहाँ जब फतवात करते हुए जब पहुंचे, तो सामने जब जमीन खत्म हो गई, तो फिर क्या था? पानी था। फिर पानी था, अटलांटिक ओशन था। इन्होंने अपने जो घोड़े थे इसमें पानी में उतार दिए, और अल्लाह ताला की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देखा और कहा कि अल्लाह, अगर मेरे रास्ते में ये समंदर ना आता, तो जहां तक तेरी जमीन नजर आती, मैं फतवात करता हुआ चला जाता। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया? अलेक्जेंडर ऑफ द मुस्लिम। इसके बारे में इकबाल का वो शेर मशहूर हुआ था कि दश्त तो दश्त, सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। बहरे जुल्मात इकबाल साहब ने किसे कहा है? अटलांटिक ओशन को कहा। ये सवाल बना है पेपर में कि इकबाल साहब ने बहरे जुल्मात कौन से ओशन को कहा? अटलांटिक ओशन को कहा। यहाँ पे इन्होंने घोड़े डाले थे अपने, उकबा बिन नाफे साहब ने। तो ये जो है ना, जिनके बारे में आप जरूर याद रखेंगे, जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी। इसके बाद अगर हम देखें तो 711 में आपने तारिक बिन जियाद का नाम सुना होगा। तारिक बिन जियाद जो था बर्बर ट्राइब से था, और यहीं पे बर्बर ट्राइब आबाद थे, ये नॉर्थ अफ्रीका वाली साइड में, यहीं पे बर्बर ट्राइब आबाद थे, तुनिजिया तक चला जाएगा ये सारा एरिया। तो यहाँ के रहने वाले थे तारिक बिन ज़ियाद साहब। जब मूसा बिन नुज़ैर ने ये सारा इलाका फतह किया, मूसा बिन नुज़ैर ने, तो उसने जो है ना 5,000 की आर्मी दे के उसे कहा कि वो यहाँ से जाए स्पेन पे हमला करें, यूरोप के ऊपर हमला करने के लिए। 711 में भेजा गया था किसे? तारिक बिन ज़ियाद को। तारिक बिन ज़ियाद साहब जब गए यहाँ से लश्कर लेके स्पेन में, यहाँ से जिब्राल्टर, यहीं पे हमारे पास जिब्राल्टर मौजूद है, जबले तारिक जिसे हम कहते हैं, तो जिब्राल्टर पे जब वो पहुंचे, जबले तारिक पे उन्होंने कश्तियां जला दी थी, और अपनी फौज से कहा था कि आगे लड़के मरना है और पीछे वापसी पे समंदर है।
मर्जी आपकी, या के पीछे भाग के मरना है या फिर लड़के मरना है। इस तरह से उन्होंने स्पेन को फतह किया था, यूरोप को फतह किया था। तो 711 की बात है तारिक बिन ज़ियाद साहब का। इवेंट भी पूछता है पेपर में, कब गया था, कहाँ गया था। अब यहीं पे आप देखिए, यहीं पे हमारे पास स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मौजूद है। स्ट्रेट क्या होती है? पानी की तंग पट्टी होती है जो दो लैंड मसेज को सेपरेट करती है और दो पानी के बॉडीज को मिलाती है। तो अटलांटिक ओशन है इधर, इधर मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी भी हिस्सा अटलांटिक ओशन का। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मिलाती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन सी के साथ। या आप ये भी कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट करती है यूरोप को अफ्रीका से, ऊपर यूरोप है नीचे अफ्रीका है। या ये भी कह सकते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट करती है स्पेन को मोरक्को से। तो इस तरह से यहां से ये सवाल आपके बन सकते हैं। उसके बाद आखिरी जब बात देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैरावान जो है ये दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में सवाल आता है कि ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कैरावान है, ये फिज सिटी है जी, फिज इनका एक सिटी है फिज। इसके बारे में भी अक्सर पूछ लेते हैं, ये देख नजर आ रहा होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ फिज भी कहेंगे इसे हम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैरावान या यूनिवर्सिटी ऑफ फिज, फिज सिटी में मौजूद है ये यूनिवर्सिटी। तो ये आप याद रखेंगे बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैरावान दुनिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। 859 AD के अंदर ये बनाई गई थी। तो ये बेटा मोरक्को के हवाले से क्वेश्चन बन सकती है। मोरक्को की ईस्टर्न साइड पे अल्जीरिया लगता है, साउथर्न साइड पे वेस्टर्न सहारा लगता है। तो इस तरह से ये आखिरी मुल्क है अगर आप जाए नॉर्थ वेस्ट की तरफ अफ्रीका में, उसके बाद आगे सारा पानी अटलांटिक ओशन है। तो ये बेटा मोरक्को के हवाले से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। इस तरह से लेक्चर अगर आपकी हेल्प कर रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ हमारे लेक्चर्स का लिंक जरूर शेयर किया करें, ताकि हमने ये जो आपको फ्री ऑफ कास्ट सर्व करने का एक पौधा लगाया है ये फलता फूलता रहे। अपनी जिम्मेदारी समझ के क्या करें बेटा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।